गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के कटुमस गांव जाम टोली निवासी सतेंद्र लकड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। दरअसल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसडीपीओ विकास लांगुरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के समक्ष से हत्या के प्रयुक्त किए गए टांगे व खून लगी हुई शर्ट भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं आरोपी ने स्वारोक्ति बयान में पुलिस के समक्ष बताया है कि मृतक रिचर्ड मिंज और पत्नी मेलानी के घर में रहकर नौकरी किया करता था। एक दिन खाने पीने को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ, जिससे आरोपी को लगता है कि रिचर्ड उनकी हत्या कर सकता है, जिस वजह से उसने नशे की हालत में सोमवार को रात को रिचर्ड के घर पहुंचा और टांगी से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद चिल्लाने की वजह से उसकी पत्नी मेलानी व बेटी टेरेसा के ऊपर भी टांगी से वार कर दिया, जिस घटना में दोनों दंपत्ति पति पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी सतेंद्र को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। हत्या के कारणों का पुलिस ने पता लगाया तो पता चला कि ये अभियुक्त मृतक के घर में काम करता था और मृतक के घर में काम करने के दौरान मृतक और इनके बीच में जो है खाने पीने को लेकर झगड़ा पहले हो चुका था। उस झगड़ा के कारण इसको अंदेशा था कि मृतक ही इनका जान ले लेगा, तो ये लड़का क्या किया कि मृतक को टांगी से मृतक और उसके परिवार को टांगी से वार किया, जिसमें कि दो मृतक हो गए और मृत हो गए, उनकी बेटी जो है घायल है अभी तत्काल रिम्स में इलाजरत है, अभी उसकी गिरफ्तारी जो है कर ली गई है। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।